मिर्जापुर से एक दशक से प्रतीक्षारत ट्रामा सेंटर का केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर वासियों को दी बड़ी सौगात। बड़ी दुर्घटनाओं में घायल गंभीर मरीजों को दूसरे जिले में अब नहीं जाना पड़ेगा। आधुनिक उपकरणों से लैस ट्रामा सेंटर में होगा सभी मरीजों का बेहतर उपचार। मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंची। उन्होंने पिछले एक दशक से जिला मंडलीय अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर का इंतजार कर रहे लोगों को सौगात दी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि ट्रामा सेंटर के बनने से अब गंभीर दुर्घटनाओं में पीड़ित मरीजों को प्रयागराज और वाराणसी रेफर नहीं किया जाएगा। उनका समुचित इलाज अब इस ट्रामा सेंटर में किया जा सकेगा। ट्रामा सेंटर के शुरू होने से मंडल के तीनों जनपदों मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के मरीजों को अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा उपचार मिलेगा। कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ट्रामा सेंटर शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य डॉक्टर आर बी कमल ने बताया कि ट्रामा सेंटर आज से शुरू हो गया है। आधुनिक मशीनों से यहां आए गंभीर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का उपचार किया जाएगा। पहले इमरजेंसी में आए गंभीर रूप से घायल लोगों को बाहर के जिलों में रेफर किया जाता था। ट्रामा सेंटर में 30 बड़े बेड मरीजों के लिए उपलब्ध है। ट्रामा सेंटर को 3 जोन में ग्रीन, येलो और रेड में बांट कर मरीजों का इलाज किया जाएगा। वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, पोर्टेबल एक्सरे, सीरीज पंप, नर्सिंग स्टेशन, पोस्ट ऑपरेशन रूम आदि की सुविधा यहां पर मौजूद है। डॉक्टर की ड्यूटी भी शिफ्ट वाइज लगाई गई है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए मरीजों को, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। मुझे बेहद प्रसन्नता है मिर्जापुर जनपद वासियों को ट्रामा सेंटर के अंतर्गत अब समस्त सुविधाएं मिलेंगी, जिससे किसी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को किसी भी तरीके की परिस्थिति में कोई हेड इंजरी हो या कोई बर्न इंजरी हो या किसी भी तरीके का कोई मल्टीपल फ्रैक्चर हो, ट्रॉमा हो, ऐसी किसी भी गंभीर परिस्थिति में जहां उन्हें आपातकालीन मेडिकल सुविधा की आवश्यकता होती है, सारी सुविधाएँ अब इस भवन के अंतर्गत हमारे मेडिकल कॉलेज के संस्थान देखते हैं की निगरानी में बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी। और मिर्जापुर जनपद वासियों को अब यहाँ से प्रयागराज या वाराणसी जो दौड़ कर जाना पड़ता था ऐसी परिस्थितियों में अब उससे उन्हें निजात। 2012 में मिला था मिर्जापुर को, आज 2023 है, कितने साल लगते हैं इसको घूमने, क्या वजह है? देखिए, वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, और आज ये इस भवन में सभी सुविधाएं हैं। इमरजेंसी में गंभीर हालातों में किसी मरीज को आवश्यकता होती है, हमारी डॉक्टर से टीम रेडी है, सारी सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है वो यहाँ पर है। और मिर्जापुर जनपद वासियों को इससे बहुत लाभ मेडिकल सुविधा की दृष्टि से होने जा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।